हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक गणपति बनाया था, नेचुरल क्ले का गणपति। इस वीडियो में हम उस गणपति के लिए एक मंदिर बनाएंगे। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मंदिर बनाने के लिए मैं ये MDF के बोर्ड्स यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जो किट है इसमें एक बेस वाला एक पीस मिल जाएगा आपको, एक बैक साइड का पीस और ये दोनों साइड के पीसेस है, जैसे 4 पीसेस रहेंगे इस पैक में। और ये एक इंस्ट्रक्शन का शीट भी दिया हुआ है, उसको इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके हम ये फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये जो 4 पीसेस हमें मिले हुए हैं उसमें से 3 पीसेस को हम पेंट करेंगे और जो नीचे का एक बोर्ड है उसको हम पेपर लगाएंगे। तो ये 3 जो है इसको हम ये जेसो अप्लाई करेंगे पहले, क्योंकि हमें बेस कोट देना पड़ेगा, उसके ऊपर ही हम कोई कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, फ्लैट ब्रश नंबर 10। इसको यूज़ करके हम तीनों पीसेस को अच्छे से एक कोट दे देंगे। अगर आपको एक कोट कम लगता है तो 2 कोट दे देना, बट फाइनल आउटपुट उसका ऐसा दिखना चाहिए। तो इसके बाद हम ये क्रिम्सन शेड ले रहे हैं और इसमें हम ये गोल्डन कलर मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा गोल्डन कलर हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो आप पर्ल कलर भी यूज़ कर सकते हो, पर्ल रेड शेड जो आता है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। और हम ये जो जैसो हमने दिया था उसके ऊपर हम ये कलर देंगे, तो ये कलर बहुत अच्छे से बैठेगा और ब्राइट दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगा। तो इसके 2 कोट के बाद ये ऐसा दिख रहा है। फिर इसके ऊपर ये जो पाउडर है, गोल्ड पाउडर मिलती है, मेटालिक पाउडर, ये मैं ब्रश से ऐसे दे रही हूँ। जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को यूज़ करके सिर्फ डिज़ाइन के बॉर्डर पे हम उसको देंगे और यही सेम चीज़ हम पूरे मंदिर को करेंगे। जो 3 पीसेस को हमने कलर दिया हुआ है उन तीनों पीसेस को हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, ताकि रेड पे जो गोल्डन है वो काफ़ी अच्छा दिखता है और मंदिर के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये ऐसे कुछ दिख रहा है गोल्डन कलर के बाद। अब हम इसके ऊपर ये जो एक रेड कलर का पेपर है वो बेस के लिए लगाएंगे। नॉर्मल फेविकॉल से भी वो स्टिक हो जाएगा। फिर हम ये गोल्डन कलर के छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं वो लगाएंगे डेकोरेट करने के लिए। मंदिर के हर बॉर्डर को मैं ये लगाने वाली हूँ, ऊपर के साइड में भी सेम हम लगाएंगे। और ये जो स्टोन्स हैं वो मेरे पास 2 साइजेस में है, तो ये वाला जो है वो छोटा साइज़ है और इसके बाद ये जो बड़ा साइज़ है वो मैं मंदिर के जो बैक साइड है वहाँ पे जगह जगह पे हम उसको लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला है नहीं तो आप स्टोन्स या अलग स्टोन्स जो मिलते हैं वो स्टोन्स या फिर मिरर्स भी लगा के उसको डेकोरेट कर सकते हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट लेसेस यूज़ करके भी आप कर सकते हो। तो ये है इस मंदिर का फाइनल लुक। बहुत इजी है, बहुत इजीली आप डेकोरेट कर सकते हो और बहुत सुंदर भी लगता है। तो और अगर आपको इसको डेकोरेट करना है तो आप लाइट्स यूज़ कर सकते हो, राइस लाइट्स यूज़ करके आप ऐसे उसको जो ओवरऑल लुक है उसका वो एनहांस कर सकते हो। और जब इसमें गणपति लगेगा तब वो लाइट्स बहुत अच्छी दिखेंगी, तो वो तो हम करने ही वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो गणपति हमने लास्ट वीडियो में बनाया था उसको पेंट करेंगे और फिर उसके बाद और भी कई वीडियोस आने वाले हैं फेस्टिवल रिलेटेड। तो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।